सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कृतिका वायर लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे, स्टॉक ने आज हमें जो है गिरावट का सामना करवाया और उसके बाद आप देखोगे स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी बनी है और फिर से स्टॉक आप देखोगे 43 रुपये पर पहुँचते हुए हमें जो है नज़र आ रहा है। अपने 52 वीक हाई पर जो स्टॉक हमें फिर से देखने को मिल रहा है। तो आज स्टॉक के अंदर हमें जो है हलचल क्यों होती हुई नज़र आई, क्यों स्टॉक ने अप एंड डाउन किया और आखिरकार स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है, क्या हमें यहाँ से प्रोडक्ट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर हमें जो है वेट करना चाहिए प्रोडक्ट बुक के लिए, तो आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखोगे, हमारी पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि ऑपरेटर्स की जो ना स्टॉक के अंदर खतरनाक एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक जो ना हमें अप एंड डाउन करते हुए नज़र आया। नीचे में आप देखोगे स्टॉक ने लगाया आज 43 रुपये 10 पैसे का लो लगाया और उसके बाद आप देखोगे हाई इसका रहा है 43 रुपये 25 पैसे का। तो आप देख सकते हो स्टॉक ने जो ना दो बारी नीचे आते हुए स्टॉक हमें नज़र आया इस लेवल पर। यहाँ पर आप देखोगे जो लेवल है स्टॉक ने दो बारी टच किया है, तो स्टॉक के ऊपर खतरे थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो वॉल्यूम लगी है वो आप देखोगे 31 लाख प्लस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम लग चुकी है और जो माल है वो हमें यहाँ पर बाय सेल होते हुए नज़र आ रहा है। यानी ऑपरेटर तो सेल कर रहे हैं लेकिन पब्लिक जो है उसको उसी टाइम खरीद लेती है। यानी ऑपरेटर बाहर निकल रहे हैं और जो पब्लिक है वो इसके अंदर एंट्री ले रही है। तो यहाँ से खतरे के जो संकेत है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखोगे इसकी जो RSI है वो कितनी हो चुकी है, चलिए वो मैं सब दिखाता हूँ आपको चार्ट पर आखिर इसका चार्ट क्या लेवल दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो RSI है वो कितनी हमें देखने को मिल रही है, 98। जी हाँ, ये जो स्टॉक है आप देखोगे भाई ओवरबोट जोन में जा चुका है। यहाँ से स्टॉक को सेल करना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। जितना आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ से प्रोडक्ट बुक कर लीजिए और जिनको यहाँ पर रिस्क लेना है वो भाई 50+ से रिस्क ले सकते हैं भाई, क्योंकि ये जो स्टॉक हमें 50+ के टारगेट भी दिखा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। अगर स्टॉक के अंदर आप देखो कितना हैवी ऑपरेटर गेम चल रहा है, मैंने पीछे आपको इसके अंदर होने वाली बल्क डीले भी आपको दिखाई थी। रेगुलर हमें जो ना दो दिन लगातार बल्क डील देखने मिली थी 8 तारीख को और 9 तारीख को। उससे पहले आप देखोगे 1 तारीख को जो माल है वो यहाँ से उठाया गया था, 8 तारीख और 9 तारीख को आपने देखा होगा दो दिन माल जो निकाला गया है। पब्लिक को जो माल है ये चिपका रहे हैं ऑपरेटर। जी हाँ, पब्लिक को जो ना बुरी तरह से माल चिपका रहे हैं और पब्लिक फिर इसके अंदर फंसेगी और जैसे स्टॉक के अंदर LC लगेगा फिर हमारे पास कमेंट आएंगे कि शेयर सेल नहीं हो रहे हैं क्या करें। तो इससे पहले आपको ये सब कुछ देखना पड़े, उससे पहले यहाँ से बाहर निकल जाइए भाई। ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं। आप देखोगे RSI जो इसकी 98 पर पहुँच चुकी है, स्टॉक ऑलरेडी ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है, यहाँ से निकलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए आज की क्या डिलीवरी उठी है, कैसी बल्क डील हमें देखने को मिली या फिर नहीं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बात करें आज की डेट में इसके अंदर होने वाली बल्क डील को लेकर, तो कृतिका वायर के अंदर आज आप देखोगे हमें कोई बल्क डील देखने को नहीं मिली है। उससे पहले हमें देखने को मिली थी 9 सितंबर को, 8 सितंबर को और 1 सितंबर को। 1 सितंबर को आप देखोगे जो माल है वो नीचे से उठाया गया था, ठीक है, 30 रुपये 95 पैसे के ऊपर 3,27,000 के आसपास। उसके बाद आप देखोगे 8 तारीख को जो माल है वो निकाला गया था 9,44,000 के आसपास और 9 तारीख को आप देखोगे जो माल है वो उठाया गया था 2,43,000 के आसपास 41 रुपये से। तो आप देख सकते हो भाई, देखो स्टॉक के अंदर बाय सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, ऑपरेटर जो है लगातार इसके अंदर बाय सेलिंग कर रहे हैं। आज की जो बल्क डील हुई अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, जैसे ही अपडेट हो जाएगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आज फिर से स्टॉक के अंदर जो है बड़ी डीलें हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से स्टॉक ने जो ना हमें मूवमेंट होते हुए नजर आया प्राइस के अंदर, अप एंड डाउन किया स्टॉक ने जिसकी वजह से। तो आप लोगों को भाई देखो थोड़ा दिमाग लगा कर संभल कर चलना है स्टॉक के साथ। अगर एक बार ऊपर से LC लग गया ना फिर स्टॉक सेल नहीं होगा, आपको भी पता है इस बात का, ठीक है। जिस भी स्टॉक में LC लगा है ना उसके अंदर आपको पता आप कैसे फंस जाते हो, शेयर सेल होंगे नहीं और फिर आपके कमेंट आएंगे कि सर शेयर सेल कैसे करें। भाई LC के अंदर कभी भी शेयर सेल नहीं होते जब तक ऑपरेटर उसके अंदर जो ना सेलिंग का प्रेशर नहीं हटाएंगे, जब तक हमें इसके अंदर सेलिंग का जो प्रेशर है वो देखने को मिलता रहेगा। ऑपरेटर के हाथ में होता है सबका सब। देखो जैसे 5-6 लाख का सेलिंग रहता है ना तो ऑपरेटर एक झटके में इतना माल उठा लेते हैं, ठीक है। हम आम इन्वेस्टरों के बस की बात नहीं है भाई एकदम से 5-6 लाख शेयर उठाना, ठीक है। तो ये जो बड़े ऑपरेटर होते हैं ना ये नीचे से एकदम को माल उठाएंगे फिर स्टॉक के अंदर तेज़ी बनते हुए हमें जो है नज़र आएगी। तो इन सब का सामना करने की बजाय हमें जो है यहाँ से जितना हमें प्रॉफिट हुआ लेकर निकल जाना चाहिए। हम क्यों ऐसी सिचुएशन देखें, हम क्यों ऐसी सिचुएशन को हैंडल करें कि हमें शेयर सेल करने पड़े या फिर ना करने पड़े, इससे अच्छा जैसा है वैसा आपको इस यहाँ से लेकर निकलना चाहिए, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग है, अगर आपकी मर्जी है भाई आप क्या करना चाहते हो स्टॉक के साथ, एज ए लॉन्ग टर्म चलोगे एज ए शॉर्ट टर्म चलोगे वो आपकी मर्जी है। आई थिंक जिनको प्रॉफिट हुआ वो यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने हमारे सभी मेंबर्स को सभी क्लाइंट्स को यहाँ से निकाल दिया है और स्टॉक में हम जो ना
फोकस करेंगे, कोई और ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसके अंदर हम जो ना 20-30% प्रॉफिट लेके सेफली बाहर निकल जाएं। ठीक है, अगर हमें महीने में ऐसे ऐसे 2-3 स्टॉक मिल जाए, 4 स्टॉक मिल जाए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए हमें भाई। ठीक है, हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, हम जो ना किसी और स्टॉक में फिर हमारा फोकस रहेगा। तो ये सब कुछ अगर आप करोगे, कभी भी पेन स्टॉकों में मार नहीं खाओगे। अदरवाइज़ आप देखो भाई, अगर अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से चलोगे तो भाई आपकी मर्जी है। अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो आई थिंक यहाँ से निकल कर किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेस्ट रहेगा और सबसे सही रहेगा। तो चलिए आज की जो डिलीवरी उठी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे अभी भी हमें जो ना सेलिंग के लिए ऑर्डर लगती हुई नज़र आ रहा है 2100 का, लेकिन बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो स्टॉक के अंदर एलसी लगना आज मुश्किल है। आज फिर से स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी बनी हुई है। आप देखोगे 84% हमें जो ना माल उठती हुई नज़र आए, जो डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिली वो आप देखोगे 25,59,000 के आसपास, जो ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिली वो आप देखोगे 30,18,000 के आसपास। तो ये हमें देखने को मिला आज का डिलीवरी पोजिशन, माल जो ना खूब उठाया गया ऊपर से, तो ये इसकी आज की डिलीवरी पोजिशन रहने वाली है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे क्रिप्टो का वायर को लेकर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।